हाय एवरीवन, मैं हूं अखिल और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, फीफा वर्ल्ड कप आने वाला है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूं फीफा वर्ल्ड कप कब आने वाला है। तो यहां पे गूगल पे आप लिख देते हैं, तो यहां पे सर्च करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो यहाँ पे डेट भी मार देते हैं ताकि डेट पता चल सके, स्टार्टिंग डेट। तो यहाँ पे देख सकते हैं 21 नवंबर से फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है। तो अब बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप में क्या है क्या नहीं है। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे, फीफा वर्ल्ड कप सबसे बड़ा वर्ल्ड कप होता है दुनिया का, और इसमें सभी देशों के लोग यहाँ पे वेबसाइट को विजिट करते हैं और देखते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स लेते हैं। तो इसी पे आप लोग अगर इवेंट ब्लॉगिंग करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल मिलेगा। मैं आपको अभी दिखाता भी चलूँगा, और इसमें आपको एक महीने के अंदर काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स भी हो गए। तो इसी पे हम लोग बात करेंगे कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप हम इसमें जानेंगे। तो आज ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। तो इसमें आज के भी इस वीडियो में हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, किस तरह से आप काम कर सकते हैं इसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी डिटेल्स अवेलेबल है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, हमें यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करना है। सबसे पहला अगर कोई काम होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने का, तो वो होता है कीवर्ड रिसर्च से। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च पता चल गए तो आप काफ़ी ईजिली उस काम को कर पाएंगे, और उसमें काफ़ी ज़्यादा आप अच्छा भी रिजल्ट ला पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें क्या सर्चेज है, कैसी क्या इसमें रैंकिंग आती है, सभी चीज़ इसमें हम जानेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम गूगल ट्रेंड पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे अभी गूगल ट्रेंड पे हूँ। यहाँ पे हमें क्या सर्च करना है, यहाँ पे हमें देखना है कि फीफा वर्ल्ड कप क्या सही में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग सर्च में आ रहा है या नहीं, क्या सर्च रेटिंग्स है, सभी चीज़ इसमें देखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फीफा वर्ल्ड कप, बस इतना ही लिख के सर्च कर देते हैं। यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें इसमें ट्रैफिक दुनिया के सभी देशों से मिलेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें रीच बढ़ रहा है, धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। आप देख सकते हैं 30 अक्टूबर से ये बढ़ता ही जा रहा है और अभी तक काफ़ी ज़्यादा ब्लो पे है। तो अगर आप नीचे आएंगे तो इससे रिलेटेड सभी चीज़ आपको थोड़ा बहुत दिखाई देगा। जैसे कतर है सबसे टॉप कंट्री में, जिस पर सर्च वॉल्यूम 100 के आसपास है, सबसे ज़्यादा सर्च कतर से ही आ रहा है। उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, UAE है, घाना है, सभी देशों से लगभग ट्रैफिक आपको मिलेगा। इसमें वर्ल्ड वाइड ये होता है तो सभी देशों से काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ पे आप रिलेटेड टॉपिक्स देख सकते हैं, 2022 फीफा, U20 ओमेंस वर्ल्ड कप टूर, सभी चीज़ आप देख सकते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड में रिलेटेड क्वेरीज में देख सकते हैं आप, यहाँ पे फीफा 23 रिलेटेड डेट है ब्रेकआउट, उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल्ड PDF है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3400% इसमें इंक्रीज आया है। तो आप सोच सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा आपको पोटेंशियल है, और आप सिर्फ अगर एक ही कीवर्ड पे रैंक कर गए अपने वेबसाइट को तो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, और इसमें ऐड की कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिलेगी। तो यहाँ पे आप कुछ आइडिया आपको मिल ही गया होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 एल्बम देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें रीच है, 2900% इसमें ग्रोथ आई है। तो इसे हम ओपन करके देख लेते हैं, एक्सप्लोर न्यू टैब में इसे ओपन करते हैं, और इसको भी हम न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं ताकि आपको आइडियाज काफ़ी अच्छे से मिल जाए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फीफा 23 वर्ल्ड कप के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सर्च है। अब बात करते हैं जो हमने ओपन किया था उस पर हम देख लेते हैं, तो इस पर देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सर्चेज बढ़ रही है धीरे धीरे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 एल्बम्स भी काफ़ी ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, कहाँ कहाँ से सर्च हो रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेक्सिको,
और भी बहुत सारे कंट्री है, सर्बिया, सभी कंट्री से यहाँ पे सर्चे जा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स है उसके बारे में, फीफा वर्ल्ड कप 2022 स्टिकर्स एल्बम देख सकते हैं, स्टिकर्स एल्बम, जितना आप कीवर्ड को रिसर्च करेंगे उतना ज़्यादा आपको ये मिलता चला जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अब कीवर्ड की, तो एक ये भी कीवर्ड था फीफा वर्ल्ड कप 2022 शेड्यूल्ड PDF। इसमें आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा यहाँ पे सर्च हिस्ट्री बढ़ रही है, और यहाँ पे अलग अलग देशों से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रैफिक भी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिलेटेड क्वेरी में और भी क्वेरी आपको मिल जाएगी। आप एक भी टॉप पे या कीवर्ड पे रैंक कर गए तो आपको, आप सोच भी नहीं सकते कितनी ज़्यादा ट्रैफिक मिल सकती है। उसके बाद अब आते हैं कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है, तो इसके लिए हम कुछ टूल्स का यूज करेंगे जिसकी मदद से हम लोग कीवर्ड रिसर्च करेंगे। अगर आपको कीवर्ड की एक PDF चाहिए या इसकी पूरी PDF लिस्ट चाहिए तो आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कोई भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डाउनलोड करके सभी चीज़ चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे रिसर्च करना है, तो इसके लिए हम लोग इस टूल का यूज करने वाले हैं कीवर्ड को निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं फीफा वर्ल्ड कप, और उसके बाद यहाँ पे इंटर मार देते हैं। यहाँ पे आप कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं USA, बस इतना ही रहने देते हैं ताकि सभी देशों का ये कीवर्ड शो करवा दें। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितनी अच्छे से कीवर्ड को देख पा रहे हैं। 2022 वर्ल्ड कप सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं 2,74,000 से भी अधिक है, और पेड कंपटीशन लो है। CPC आप देख सकते हैं $1 के आसपास है, बिडिंग है इतना। उसके बाद ये आप देख सकते हैं काफ़ी लो है, आपको काफ़ी लो कीवर्ड मिल जाएंगे। उसके बाद फीफा वर्ल्ड कप आप देख सकते हैं 1,22,000, वोमेंस वर्ल्ड कप यहाँ पे देख सकते हैं 6,73,000, इसी तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा कीवर्ड इसमें मिल जाएगा। इसमें लगभग 100 से अधिक कीवर्ड है जिस पे आप काम कर सकते हैं, और इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा सर्च रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये मैं आपको नीचे दे दूंगा प्रोवाइड करवा के, आप डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो टूल हम यूज करने वाले हैं वो है गूगल का। गूगल में आपको काफ़ी सारा डेटा मिल जाएगा जिसके मदद से आप यहाँ पे अपना पोस्ट बना सकते हैं। जैसे फीफा वर्ल्ड कप मैंने लिखा तो उसके बारे में देखिए यहाँ पे सभी चीज़ PDF डिटेल्स आ गई, इसी को कॉपी करके आप PDF बना सकते हैं और अपने वेबसाइट में भी ऐड कर सकते हैं। तो एक काम तो आपका हो गया, PDF वाले कीवर्ड पे आप डायरेक्टली काम कर सकते हैं और आपको कंटेंट भी यहाँ से मिल गया, तो आप जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टूल जो हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज करने वाले हैं वो है keywordtool.io। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीवर्ड कितनी ज़्यादा ट्रेंड में है। फीफा वर्ल्ड कप 4,50,000 से अधिक इसमें सर्च वॉल्यूम है, और यहाँ देख सकते हैं 122% बढ़ता ही जा रहा है। उसके बाद 398% इसमें बढ़ा है फीफा वर्ल्ड कप 2022। इस तरह से आप देख सकते हैं कंपटीशन आपको यहाँ दिखाना है काफ़ी लो है, 6 लो, 13 लो, 5 है इसमें लो, 1 लो, तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें सर्च रिजल्ट आ रही है। और ये सभी चीज़ आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद फिर ऊपर सजेस्ट की बात कर लें तो ये भी काफ़ी अच्छी टूल है। यहाँ आप इसमें अगर सर्च करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट मिल जाएगा। फीफा वर्ल्ड कप 49,000, CPC, पेड एडवर्टाइजमेंट, ये सभी चीज़ आपको मिल जाएगी। तो इससे आइडिया आपको लग चुका होगा कि आपको काम करना चाहिए या नहीं। आपको कीवर्ड की लिस्ट नीचे मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं क्या क्या क्वेरी आ रहे हैं फीफा से रिलेटेड, और उसके अनुसार आप ब्लॉग क्रिएट कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसमें फीफा वर्ल्ड कप में आप काम कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखा दिया, यहाँ से सिर्फ आपको ये दोनों कॉपी करना है और एक PDF बना के अपने वेबसाइट में ऐड कर देना है, और उस कीवर्ड पे आपको रैंक करने की कोशिश करना है, थोड़ा बैकलिंक बना लेना है
तो आपका काम हो गया। और इस तरह से अगर आपने काम किया तो आपकी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और आपका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी, CPC भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और वहाँ से आप लोग काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी इस फीफा में, वर्ल्ड कप में कमा सकते हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अच्छे आइडियाज लेके आएंगे जिसकी मदद से आप लोग काफ़ी अच्छा फीफा वर्ल्ड कप में अपना ब्लॉग रन कर पाएंगे। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप नीचे पूछ सकते हैं, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से होस्टिंग को परचेज करके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे लिंक से परचेज किया और मुझे अपना परचेज की हिस्ट्री दिखाई तो मैं आपको फ्री में वेबसाइट बना के दूंगा। तो आप नीचे वाले लिंक से होस्टिंग को परचेज करके अपना ब्लॉगिंग स्टार्ट करें ताकि मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर सकूं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना है। थैंक यू।